हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज आप देख सकते हो मेरे पास जो क्राइसैंथेमम के पौधे हैं फुल ब्लूम पे हैं। और आज मैं आपके लिए एक फ़ाइनल वीडियो बनाऊंगा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं क्राइसैंथेमम के, इसको अभी आपने क्या करना है। ये दोस्तों देख सकते हो मेरे सभी पौधे अच्छे से खिल रहे हैं और ऐसे ही ये आगे भी 15-20 दिन अच्छे से निकाल देंगे और उसके बाद मैं दोबारा से बताऊँगा क्या करना है। उससे पहले आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये खिल रहे हैं क्राइसैंथेमम के पौधे। दोस्तों जब फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये हमें याद रखनी है कि हम इसको अभी कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि अभी इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अभी सिर्फ इसको सस्टेन करने के लिए, फ्लावरिंग को ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए इसको हमें ऊपर से पानी छिड़कना थोड़ा सा नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पर आपकी ओस पड़ती है तो उससे थोड़ा सा बचा लें। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओस पड़ी है, मुझे नहीं पता था रात को। और इसके लिए इसके जो फूल हैं बहुत ज़्यादा देख सकते हो इसके ऊपर ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, और इस चीज़ से हमें बचाना है जिसके साथ आपका जो क्राइसैंथेमम का पौधा है ये ज़्यादा समय के लिए आपके घर में टिकेगा। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा जो पौधा है बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करके इस स्थिति पे आ गया है। आप देखें जो ये वाली स्थिति है हमारे पौधे की, इसमें क्या है कि फूल हैं थोड़े से सूखने लगे हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा तो मैं इस सभी को निकाल सकता हूँ सेकंड बैच के लिए, पर अभी भी जो फूल हैं थोड़े से फ्रेश हैं, इसलिए मैं हफ्ता रुकूंगा और हफ्ते के बाद मैं इसको प्रून कर दूंगा। प्रून करने के बाद दोस्तों कौन सा हमें फर्टिलाइज़र देना है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों हमारे पास जो अभी पौधा है इसको मैंने थोड़ा सा प्रून किया था 3-4 दिन पहले, और उसके बाद सीधा हमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना रहता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम आपको मैं दिखाऊंगा कि आप इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लें नीचे से, जितनी आप मिट्टी ऊपर वाली उठा सकते हैं, ताकि हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट भी कर दें और साथ में इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिलता भी अच्छे से हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसकी मिट्टी सॉफ्ट कर ली है, और मिट्टी सॉफ्ट करने के बाद दोस्तों आपको अच्छी कंपोस्ट लेनी है, जिसमें आपको देखना है कि बिल्कुल ये पुरानी होनी चाहिए और ये ब्लैक कलर की होनी चाहिए। आप देख सकते हो जो मेरे पास है ये कोई लीव कंपोस्ट है, और इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल भी ऐसा देख सकते हो कच्ची नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर की है। हम इसको क्या करेंगे, 8 इंच का गमला है मेरे पास, एक मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। डालने के लिए दोस्तों दो जो तरीके रहते हैं, हम एक इसको इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक गड्ढा खोद लिया है और ये जड़ों के पास है बिल्कुल, जहाँ पे पौधे की जड़ें हैं, तो मैं आधा फर्टिलाइज़र यहाँ पे कर दूँगा और सेम मैं क्या करूँगा इधर कर दूँगा पौधे की जड़ों के पास। क्या होगा दोस्तों, जब इसको पानी लगेगा ये अच्छे से इसको ले लेगी और हमारा जो पौधा है बहुत बढ़िया तरीके से ये सभी लेगा। अभी दोस्तों कंप्लीट नहीं हुआ फर्टिलाइज़र, हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है हमारे पास DAP। DAP दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। अगर आप किसी की प्रूनिंग करते हो या फिर पौधे की ग्रोथ आपको दोबारा लेनी रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, DAP के ग्रैनुअल्स हैं वो भी आप ऐसे ही थोड़े बहुत इसमें डाल सकते हैं। मैंने एक जगह यहाँ पर डाल दी है और एक जगह यहाँ पे डाल दिए। याद रखें DAP केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसके लिए इसकी जो क्वांटिटी है सोच समझ कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, 15-20 दाने 8 इंच के गमले के लिए लेने हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। अभी दोस्तों हमारा जो पहला फर्टिलाइज़र है हमारे पौधे के लिए तैयार है, और इसको हम पानी दे के एक पहले शेडी एरिया में 2 दिन के लिए रख देंगे और तीसरे दिन इसको हम पूरी धूप में शिफ्ट कर देंगे। और ऐसे ही दोस्तों आपका जो पौधा है दूसरे बैच के लिए फूलों के लिए तैयार हो जाएगा। आपका क्राइसैंथेमम का पौधा यहाँ से भी फुटाउट करेगा और नीचे से भी अच्छे फूल लेकर आएगा, क्योंकि जितनी आप अच्छी इसको खाद दोगे उतना अच्छा ये रिजल्ट भी देगा। और दोस्तों जो आप ये वाले पौधे देख रहे हो ये है हमारे तीसरे बैच के पौधे, मतलब आपको मैंने पहले वाले एक फूलों वाले फ्लावर प्लांट दिखाए थे जो पहले वीडियो में, और वो हैं दोस्तों अभी खिल रहे हैं। उनके बाद ये अभी फरवरी जो मिड तक ये खिले रहेंगे, उसके बाद थोड़े से फेड होने लगेंगे। इसके लिए हमारे 3 बैच हो जाएंगे, पहले वो खिल गए हैं दूसरी बार और तीसरी बार अभी ये खिल रहा है। तो इसके साथ दोस्तों क्या होता है, हमारे जो पौधे हैं क्राइसैंथेमम के ये कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होती रहती है गार्डन में। और अभी दोस्तों इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिसमें अभी बर्ड्स काफ़ी जो बर्ड्स हैं 70
जो परसेंट बर्ड्स हैं वो थोड़ी सी खिलने लगी हैं, पर उसमें भी 30-40 हैं जो अभी थोड़ी छोटी हैं। इनके लिए दोस्तों हमें ऐसा फर्टिलाइज़र लेना है जो इनकी बर्ड्स को बहुत अच्छा एक सोर्स दे पोटाशियम का, और जिसके साथ हमारे पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फूल निकालें और अच्छे से खिल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यही रहता है कि अगर हम इसकी पहले से केयर बढ़िया करें, जब ये सैपलिंग होती है उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है बर्ड्स में। अगर आपके पौधे पर फूल छोटे आ रहे हैं या फिर अभी बर्ड फॉर्मेशन है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो पोटाशियम होता है, जो पोटाश होता है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। वो दोस्तों डालना कैसे है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले आप देख सकते हो ये सभी मैंने 6 इंचीज के गमले में लगाए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सभी की ग्रोथ चल रही है। ये है दोस्तों हमारे पास पोटाश। पोटाश एक ऑरेंज कलर की भी होती है और दूसरे कलर्स में भी आ जाती है। सिर्फ आपको याद रखना है पोटाश होना चाहिए जिसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है और ये फ्लावरिंग के लिए बेहतर रहती है। अभी दोस्तों इसके दो फायदे किए जा सकते हैं। पहला है हम इसकी फॉलर स्प्रे बना के सभी पौधों पर छिड़क दें, पर वो हम अभी इस स्टेज पर नहीं कर सकते हैं पौधों के लिए, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग अभी शुरू हो गई है। अगर हम पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो इनके पत्ते जल सकते हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम इसको अच्छे से पानी में डिल्यूट कर लें, अच्छे से मिक्स करके हम इसकी जड़ों में डायरेक्टली हमारे जो पॉट है मिट्टी में हम इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल दें, जिसके साथ जो पोटाश है इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आप देख सकते हो दोस्तों मैंने 1 लीटर पानी जो ले लिया है, और 1 लीटर पानी में हम करीब 3 से 4 ग्राम जो पोटाश हम उसको डाल देंगे। मैं थोड़ा सा इसके कम ही डालूंगा, और सिर्फ मैंने थोड़ा सा डाला है, और आप देख सकते हो हम इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे ही एक तरह का फॉइलर स्प्रे है, अच्छे से मिक्स अपने आप ही हो जाता है, पर एक बार हम भी इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम दोस्तों इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा सा हमारे सभी गमलों में डाल देंगे। 1 लीटर के आसपास है, आप 80-80 ml हर एक में डाल सकते हैं, 10 गमलों में आपका ये डल सकता है। और हम इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि मेरे जो पौधे हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें पानी नहीं मिक्स किया, डायरेक्टली नहीं डाल दूंगा, नहीं तो आप 1 लीटर थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ताकि क्वांटिटी भी ज़्यादा ना रह सके और हमारे पौधों को बेनिफिट भी मिल जाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने सभी में डाल दिया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा पोटाशियम की मात्रा आप थोड़ी सी कम ही रखें, अगर आपको लगे कि पौधे में आपको है कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको मैं ये नहीं सुजेस्ट करूँगा आपने पूरा ही पोटाशियम डाल देना है, पोटाश डाल देना है, ये केमिकल है, इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो इसलिए आप आधा चम्मच ही डालें 1 लीटर पानी में, और इसको अपने पौधों में 80-80 ml के करीब दे सकते हैं। तो यही थी दोस्तों वीडियो क्राइसेंथेमम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। और आप देख सकते हो मैंने ये जो मदर प्लांट्स हैं क्राइसेंथेमम के, गुलदावदी के, ये सेव करके रखे थे, और इनको मैंने एक जगह पे क्रेट में लगा दिया था। इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से फ्लावरिंग की है, हालाँकि इससे मैंने बहुत सारे पौधे भी इस बार बनाए हैं, तो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। इसके साथ मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि आपके लिए नई वीडियो बनाई जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।